इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला। जी हां, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और हल्ला बोल में खबरों की शुरुआत, प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया है। न सिर्फ इमरजेंसी को लेकर बल्कि मुसलमानों की परिस्थिति को भी लेकर, सीधे शाहबानो केस पर भी राजीव गांधी की सरकार के एक मंत्री का जिक्र उन्होंने किया है। इसी के साथ 25 जून की रात को देश की आत्मा कुचली गई। कैसे देश की आत्मा को कुचल दिया गया था उस रात, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस पर यह जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बजट सेशन में। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का नाम भी नहीं लिया, यह भी कहा कि अपनी ही पार्टी के लोगों का अनादर करती रही कांग्रेस पार्टी, सिर्फ इसलिए ताकि एक परिवार को खुश रखा जा सके। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, कुछ लोग इतने ऊपर चले गए कि उन्हें जमीन दिखाई ही नहीं दे रही है। एक शेर के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तब देखना फिजूल है कद आसमान का। आसमान को छूने की तैयारी में प्रधानमंत्री है। अधीर रंजन के बयान पर एक तरह से प्रधानमंत्री का पलटवार है। उन्होंने कहा कि कई मसलों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतने ऊंचे चले गए हैं कि उन्हें जमीन की हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। जबरन जेल में नहीं डाल सकते आप लोगों को, इमरजेंसी की परिस्थितियों पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा। हम लकीर मिटाते नहीं, अपनी लकीर बड़ी कर देते हैं, प्रधानमंत्री ने यह कहा। कि शेर के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, पहले वो आपको जरा सुना देते हैं। स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं है। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ चले। यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गया। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है, हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे, और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। प्रधानमंत्री ने एक तरफ आसमान छूने की बात की तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला। इमरजेंसी से लेकर शाहबानो केस, मुसलमानों के साथ इस देश में बर्ताव, इन सब पर टिप्पणी की। और इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जाइए, इतने ऊंचे चले जाइए कि वहां से जमीन पे आपको मैं तुच्छ दिखाई देता हूं, लेकिन आप ऊपर बढ़ते चले जाइए क्योंकि ये सब मेरे हक में ही जाता है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी पर किन शब्दों में आज एक तरह से कटाक्ष करते हुए आलोचना की कांग्रेस पार्टी की, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में, कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया किसने किया किसने किया। आज 25 जून है साहब, जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। पच्चीस जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए, न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प, उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दांत कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दांत को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है ताकि देश में फिर कैसे किसी को ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए, जाति पंथ संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति पंथ संप्रदाय भाषा सबसे परे उठा करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया।